हाँ चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। व्हाट अबाउट वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 9 है ना आप लोगों का, गोपाल दास जो आप लोग को पढ़ाया गया था है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, गोपाल दास के मैम किसके बारे में? गोपाल दास चैप्टर के बारे में। स्टोरी तो आप लोग को पता है? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। गोपाल दास की स्टोरी तो आप लोग को पता होगी, किस प्रकार से गोपाल दास ने अपनी बुद्धिमानी का जो है परिचय दिया है और नवाब के द्वारा दिए गए प्लान को पूरा किया है ना, कितनी बुद्धिमत्ता के साथ। यस मैम। इसके बारे में बुक आपको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर पे चर्चा हुई थी उस दिन? यस मैम। यस मैम। सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ गए थे ना? कलम की सवारी के अंदर क्वेश्चन आपको दिया गया था? यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने सॉल्व किए? यस मैम। हाँ मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं। इसको भेज चुके हैं हम भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड की। यस मैम भेज चुके हैं। आज आप भारत की किसी लोक कथा के बारे में लिखेंगे, नाम बता दीजिए। लोक कथा आपका से मैम मालूम, लोक कथा है मैम। मैम पता है मैम, सच्चा मन मैम। इंग्लिश के अकबर, इंग्लिश में मैम एक लोक, देखिए अकबर बीर, अकबर बीरबल की लोक कथा फेमस है। हाँ सुने हो? यस मैम। यस मैम। इसको लिख सकते हो, तेनाली रामन की लोक कथा है, इसको आप लिख सकते हो। या विक्रम और बैताल की लोक कथा फेमस हो है, इसको भी आप लिख सकते हो। किसी भी एक लोक कथा का जो है अपने शब्दों में आप संक्षेप में लिखोगे, ठीक है? बाउंडेशन नहीं कि आपको किसे लिखना है। यस मैम। कोई भी लोक कथा आप लिखोगे, ठीक है? चलिए आज हम बातें भाषा में आपके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अमन ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पिछले पाठ में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना है ना, अब आगे आपको क्या जानकारी लेना है? यस मैम। चीकू और चीनू की बातचीत के माध्यम से। चीकू सकर्मक किस ओर जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा रंगीन शब्दों पर। चीनू तुम किस ओर जा रहे? चीनू कह रहा अरे मैं और महाराज नवाब के पास जा रही हूं। चीकू ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चीनू जल्दी आओ हमें देर हो रही है। देखिए ऊपर दिए गए शब्दों में रंगीन शब्द और पर ध्यान दो। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं, और एक जैसा लग रहे हैं ना समान, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान लगे और अर्थ में भिन्नता हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते है। जैसे और का अर्थ है तरफ व और का अर्थ है तथा। आई समझ में? तो चलिए ध्यान देंगे आप लोग। आई समझ में? यस मैम। शुद्ध शब्द यानी वह शब्द जो में तो समान लगते हैं, परिभाषा ध्यान दीजिए, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ में इसकी अलग हो,
और फिर एक मात्रा ए आए. यस मैम. और औ मात्रा है दोनों में ना, इसमें ओ की मात्रा है और उसमें औ की मात्रा है. और बस इतना ही तो फर्क है. सुनने में तो जैसा लग रहा था ना, लेकिन अर्थ उसका बिल्कुल अलग है. और का मतलब होता है तरफ और का मतलब होता है तथा. ठीक है. Yes, ma'am. इसी तरह दिए गए शब्दों में रंगीन शब्दों का अर्थ का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखे. आपको इसको नोटबुक में लिखना है. ध्यान दीजिए सभी लोग. आकांक्षा yes. अतुल सब ध्यान से सुनो. पहले इसको आपको बुक में नहीं, आपको नोटबुक yes, में ma'am. करना रहेगा. आज की ओर सुन लो करना. yes, ma'am. ठीक है. दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के अर्थ का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखें. यहाँ पर जो रंगीन शब्द है इसका अर्थ प्रयोग करके वाक्य दोबारा आपको लिखना है. अर्थ प्रयोग करके वह दाई और गया और अपने घर चला गया. इसका हम वाक्य दोबारा लिखेंगे. रंगीन शब्द का अर्थ का प्रयोग करके हम वाक्य को लिखेंगे. वह दाई तरफ गया तथा अपने घर चला गया. हाँ आई बात समझ में. बहुत सही. वन्नियत मिस क्या होता है? वन्नियत मिस वन्नियत अभी बता रहे हैं. ये समझ में आ गया ना? ऐसे ही आपने इसको भी करना है. अभी इसी में से लोग बताएंगे. सानविका दूसरा में देखिए, ध्यान दीजिएगा. गोपाल दास की नियत में कोई खोट नहीं थी, इसलिए वह नियत समय पर आ गया. आपको पता है क्या अर्थ होगा? यस मैम. मैम मैम यहाँ पर पहला नियत लिखा हुआ है. खा में जो पहली बार नियत लिखा है मैम, वहाँ पर उसके कैरेक्टर की बात की गई है मैम. और मैम दूसरे मैम उसके उद्देश्य की बात की गई है. और यहाँ पर दूसरी जगह नियत लिखा हुआ है वहाँ पर समय की बात की गई है. हाँ बेटा बहुत अच्छा. नियत का मतलब होता है उचित समय पर, जो समय निर्धारित किया गया था ना, कितने बजे. देखिए गोपाल दास की नियत में कोई खोट नहीं थी, यानी उसका नेचर जो था, स्वभाव था, उसमें कोई कमी नहीं थी ना. इसलिए वह निश्चित किए गए समय पर आ गया. यानी जो ठीक समय बताया गया था कि हाँ 10 बजे आना था, 12 बजे आना, इसलिए वह उचित समय पर आ गया. यहाँ नियत का मतलब होता ठीक या उचित. ठीक है. यस मैम. नंबर का मेरा कर्म ही इस दस्तावेजों को क्रम से लगाना है. इसको बताएंगी अनुप्रिया. अनुप्रिया हम मैम वॉइस इज नॉट कमिंग. अनुप्रिया लग रहा नेटवर्क में नहीं है. अनिल आप बताएंगे. अनिल अनिल भी लग रहा नहीं है. मैम है अनिल. मैम आई कैन. अमन आप बताएंगे. यस मैम. सौरभ बताएं. मैम गा का मैम पहन. अच्छा बताइए बताइए बताइए. अमन आप ही बताइए. गा में पहला कर्म. मैम गा में पहला कर्म का अर्थ है कि काम. मैम जैसे कि मैम मेरा काम ही इन दस्तावेजों को. मैम और मैम कर्म का अर्थ है मैम
मैम लाइन से, हाँ क्रम से, लाइन से, हाँ ठीक से लगाना है ना, ठीक से लगाना है। यस मैम, मेरा काम ही दस्तावेजों को ठीक से लगाना है। ले सौरभ घा का आप देखिए। यस मैम, घा का पहला मैम दूसरा सफेद। फिर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत भड़क रही थी। मैम घा का पहला होगा मैम ध्यान से मैम, और दूसरा सफेद। हाँ तो पूरा सफेद लीजिए, सेंटेंस को बताइए। मैम मैंने ध्यान देखा तो उसका रंग बहुत ही सफेद है। हाँ बहुत ही सफेद है। चलिए अब बताएंगी रुचि अगला। मैटर अनिल आप सुन पा रहे हो? चलिए अनिल आप बताइए। हाँ अनिल आप बताइए। मैम मेरे से मैं भूमिका, मैम भूमिका हुआ, मैम भूमिका हुआ ऐसा नहीं है। नहीं बेटा, भाग्य और भाग दो अलग अलग शब्द हैं, शब्दों को अलग कीजिए। चलिए रुचि बताइए। यस मैम। मैम माय टेल, मैम आवाज ही नहीं आ रही। रुचि आप बता नहीं पाई। नहीं बेटा, सबको मौका देना है हमें। मैम माय टेल, नहीं नहीं सबको मौका देना है। आकांक्षा आप बताइए। आकांक्षा क्या होगा यहाँ? मैम माय टेल, कांचा नहीं बताओगी? विकास आप बता सकते हैं? मैम जैसे मेरे भाग में, मैम जैसे मैम किसी के भाग में जैसे भूमि की तरह मैम कोई चीज ना हो उसके भाग में। नहीं बेटा, अतुल बताएंगे। अतुल मैम, अतुल यस मैम बताइए आप क्या होगा? मैम भाग, मैम माय टेल। अमन आप शांत रहिए बेटा, सबको सबको मौका दीजिए ना बताने का। सुषमा, तनिष्का कोई बताए। क्या होगा यहाँ? बताइए बेटा। सुषमा, निहारिका बताएंगे। चलिए निहारिका। मेरी किस्मत में वह भूमिका हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छा बेटा निहारिका, मेरे किस्मत में भूमिका व हिस्सा नहीं है। हाँ चलिए अगला हम देखते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्द लिखें। पहले हम इसको पर्यायवाची लिखेंगे, पहले हम इसको विलोम करेंगे। यस मैम। रात है शब्द, विलोम और फिर पर्यायवाची, तीन कारण बनेंगे। शब्द है रात, रात का विलोम होगा दिन, उसके बाद उसकी पर्यायवाची होगी। मैम तीन कॉलम बनाएंगे? हाँ यस मैम।
यस मैम, यस मैम, हम कर लेंगे। शब्द विलोम प्रावाची, रात का आपका यस मैम विलोम लगना है, दिन मैम प्रावाची क्या होगा? यस मैम रात्रि, रात्रि मैम रात्रि, यामिनी रजनी, रजनी। आप लोग समझ गए हो? yes, प्रावाची केवल दो दो प्रावाची लिखेंगे, दो दो प्रावाची लिखना, ज्यादा नहीं। यस मैम रात्रि लिखा है। प्रकाश का क्या होगा? यस मैम अंधे मैम उजाला मैम अंधेरा, प्रकाश अंधकार, ज्योति अंधकार, प्रकाश अंधकार मैम, जो अंधकार मैम मैम उजाला मैम, उसका पर्यायवाची होगा प्रकाश का, उजाला, उजाला प्रकाश ज्योति रोशनी। हाँ चलिए यस मैम रोशनी। आप लोग कल ले जाएंगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिए गए शब्दों के दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। इसको तो आप लोग यही लिख लेंगे इसके सामने। yes, जो किया ना जा सके, जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अविश्वासी, जिसका वर्णन न किया जा सके। मैम व्यूअर, मैम व्यूअर नहीं, व्यूअर जिसका वर्णन न किया जा सके। आकर्णीय, यहाँ होगा जो किया न जा सके, आकर्णीय जिसका वर्णन न किया जा सके, आवरणीय हिंसा करने वाला, हिंसक तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र, कुशाग्र कहते हैं, कुशाग्र, कुशाग्र मैम जो किया ना जा सके, मैम कुशाग्र मैम तेज बुद्धि वाला मैम क्या होगा? मैम बुद्धिमान, हाँ तेज बुद्धि वाला बुद्धिमान कहेंगे, कुशाग्र कहेंगे मैम, कुशाग्र, हाँ मैम कुशाग्र, मैम कुशाग्र। समझ में आ गया ना सबके? यस मैम। इसमें जो नोटबुक में लिखने वाला है उसको नोटबुक में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू जो है नोटबुक में लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर वन नोटबुक में लिख लेना, ये दोनों नोटबुक पे लिखना है, और क्वेश्चन नंबर थ्री भी नोटबुक पे कर लेना, ठीक है? यस मैम। हाँ नोटबुक पे कर लेना, आपका कल का होमवर्क रहेगा। यस मैम तीनों नोट रुपए करके कल भेजना, आज नहीं, आज के लिए केवल इतना ही है। किसी लोक कथा क्या सार मैम, आज मैम आज का होमवर्क क्या है? प्रश्न नंबर चार कलम की सवाल, आज का होमवर्क भारत yes, लोक कथा का सार अपने शब्दों में लिखें। yes, बाकी ये तीनों क्वेश्चन आपको कल करना है, ठीक है? इसके बाद बचेगा आपका बुक बी। yes, मैम बुक बी मैम, इसके बाद मैम बुक बी, बुक बी समझा दे।
अच्छी बात है, नहीं समझाएंगे लेकिन अगले सेशन में तो आप लोग को करना रहेगा। यस मैम, अगले सेशन में। अभी नहीं करना आप लोग, लेकिन अगले सेशन में आपको करना रहेगा ये, ठीक है? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले आपको क्या करना है, कहानी को याद रखना है। अगर जब आप कहानी याद रहेगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बुक भी वाली। यस मैम। देखिए इसे बताया भी, पूछा भी गया है, निम्न प्रश्नों के आधार पर कहानी को अपने शब्दों में लिखें। पहला प्रश्न है मुख्य पात्र और उसकी विशेषताएं, कौन बता पाएगा? मुख्य पात्र ओनली वन रहते हैं मैम, केवल एक मुख्य पात्र मैम, गोपाल दास मुख्य पात्र और मैम पात्र कहा जाता है। मुख्य समस्या मैम, तारों को ना गिना जा सके और धरती की लंबाई और चौड़ाई। लोक कथा का इसमें आपको मुख्य पात्र लिखना है, उसकी विशेषता लिखना है। तो मुख्य पात्र आप जान ही गए हो कौन है, उसकी विशेषता भी आपने क्वेश्चन में लिखा है, तो उसको आप बढ़िया से लिखोगे। इसमें समस्या क्या है कहानी की, मुख्य समस्या क्या है इसमें, समस्या है आपका रहेगा जो है पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना और तारों की संख्या को ज्ञात करना। ये कहानी की मुख्य समस्या है, क्योंकि बहुत कठिन चीज है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है? यस मैम। अगला रहेगा लोक कथा का क्षेत्र। लोक कथा का क्षेत्र क्या होता है, कैसे होता है, इसको यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है? समाधान, कहानी का समाधान गोपाल दास ने कैसे किया, इसको यहाँ लिखेंगे। मैम गोपाल दास ने कैसे किया, गोपाल बेटा कहानी लिख ले जाओगे ना सभी लोग? यस मैम। मैम कर लेंगे। यस मैम। तो चलिए पहले हम आप लोगों से कहानी सुनते हैं, देखते हैं कितने लोगों को कहानी पता है, क्योंकि बिना कहानी याद किए आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। यस मैम। हाँ चलिए संक्षेप में अपने शब्दों में कहानी आप बताएंगे, ठीक है? शुरुआत कौन करेगा? चलिए अमन सत प्रकाश, आप ठीक से अपनी मोबाइल ठीक से रख लीजिए। सत प्रकाश, सत प्रकाश मोबाइल को सीधा रखिए। एक बार महाराज कृष्णचंद्र को एक नवाब का फरमान था। वह फरमान यह था कि महाराज कृष्णचंद्र को पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई तथा तारों की गिनती याद करनी थी, गिनती महाराज को बताना था। यह सुनकर वह बहुत चिंतित थे। तभी उनका दास गोपाल दास आया। उन्होंने कहा कि हमारे रहते आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो महाराज ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे। तो महाराज ने कहा आप कर सकते। तो महाराज ने अपनी समस्या बताई। महाराज ने कहा कि नवाब ने मुझे पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई तथा तारों की गिनती गिनने को कहा है। कहा तो गोपाल दास ने कहा इतना सा काम या तो मेरे बाएं हाथ का काम है, आप बस मुझे 20 लाख रुपए दिलवा दीजिए। तो नवाब के काम करने से पहले गोपाल दास के काम करने से पहले गोपाल दास को 10 लाख रुपए मिले। वो आराम से थाटवाद से रहा। जब एक साल पूरा हुआ तो गोपाल दास नवाब के महल में गया। उसके पीछे 15 बैलगाड़ियां थी।
और बैलगाड़ियों में खते फते उछले उछले रेसी धागे रखे हुए थे, ऊपर से नीचे तक लदे हुए थे, तथा 5 मोती भेरी भी थी। वो महाराज के महल में पहुंचा। नवाब को सलाम करने के बाद वह कहने लगा कि सरकार, आप इतने सारे जो जितने बैलगाड़ियों में 15 बैलगाड़ियों में रेशम के धागे रखे हुए हैं, उतना पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई है, तथा जो भेड़िया हैं उनके उनके जितने भी बाल हैं, वो पृथ्वी के तारों की संख्या है। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि भले ही तुम इसकी संख्या नहीं मालूम कर पाए, पर तुमने इन सभी को बताकर मुझे प्रसन्न कर दिया। उसके बाद महाराज ने उन्हें 10 लाख का इनाम दिया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने कहानी सुनाई। और किसको कहानी पता है? स्वेच्छा से सुना सके जो? हाँ बताइए सौरभ। सत प्रकाश, आप मोबाइल को सीधा रखिए बेटा, आज आप मोबाइल गलत आप किए हो। मैम एक बार महाराजा कृष्णचंद्र को नवाब फरमान मिला मैम कि मैम उन्हें मैम धरती के ऊपर से नीचे का सही नाम मालूम करे और तारों की संख्या का पता लगाए। महाराज यह सुनकर बहुत भौचक्के थे, लेकिन उन्हें काम नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तो एक बार गोपाल दास ने उनसे कहा कि आप महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं? उन्होंने कहा कि आप मुझे समस्या बताइए, मैं उसका हल करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे नवाब ने कहा है कि तारों की सारी गिनतियां को पता करें और फिर धरती के ऊपर से नीचे का माप। तो फिर गोपाल दास ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात है, या तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन तो मुझे 1 साल चाहिए और फिर 20 लाख रुपए। महाराज खुश हो गए और फिर उन्हें 10 लाख रुपए पहले दे दिए। फिर वे 1 साल तक खूब, फिर गोपाल दास 1 साल तक बड़े खाट बाट से रहा। बाद 1 साल बाद वे गोपाल दास 15 बैलगाड़ियों में फटे कटे कुचले और उचले धागों से 5 मोटी भेड़ों से आया, भेड़ों के आगे आया। नवाब को सलाम करने के बाद गोपाल दास ने कहा कि इस 15 बैलगाड़ियों में कपड़े जितने धागे उतने धरती की माप है और फिर जितने इन भेड़ियों के शरीर पे जितने बाले हैं उतने तारों की संख्या है। वो राजा कृष्णचंद्र खुश हो गए और उन्होंने यह कहा कि अगर तुम उन्होंने वे बहुत खुश हो गए और उन्होंने यह कहा कि तुम अपना वचन पूरा किए हो और फिर उन्हें 10 लाख रुपए इनाम के रूप में दिए। बहुत अच्छा आपने कहानी सुनाया। और चलिए सारे सुनाइए। मैम एक बार महाराजा कृष्णचंद्र को नवाब का फरमान आया कि उन्हें तारों की गिनती पता लगाने के साथ साथ इस पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई भी पता करनी है। यह फरमान सुन के महाराज बहुत भौचक्के रह गए, यानी वह बहुत चिंता में पड़ गए। तभी महाराज का एक सेवक गोपाल दास वहाँ पहुँचा और कहा कि महाराज आप इतने चिंता में क्यों हैं? तो महाराज ने उसे अपनी चिंता का कारण बताया। यह सुनते ही गोपाल दास ने कहा कि बस इतनी सी बात, और उसने महाराज से 20 लाख
लाख रुपए मांगे। महाराज ने 10 लाख रुपए पहले ही दे दिए। साथ ही साथ गोपाल ने उन्हें तारों की गणना करने वाली मशीन भी उनसे ली और उन्हें 1 साल का समय भी मांगा। 1 साल तक गोपाल दास बड़े ही ठाट बाट से रहा और 1 साल बाद वह 15 बैलगाड़ियों में खूब फटे और खराब धागों से धागे लेकर साथी कुछ भेड़ भी लेके वह नवाब के पास जाने लगा। वह नवाब के पास जब पहुंचा तो उसने नवाब को सलाम करते हुए कहा, महाराज हमने आपका फरमान पूरा कर दिया है। तो नवाब ने बोला कि तुम हाँ शाबाश, पर तुम सही आंकड़े बताओ। तो गोपाल दास ने बोला कि महाराज हमने तो वही किया है जो आपने कहा था। हमने सिर्फ इनकी लंबाई और धरती की लंबाई चौड़ाई पता लगाई और तारों की भी गणना की है। जैसे जितने इन भेड़ों के बाल हैं उतने ही आसमान में तारे, और जितने ये उजड़े धागे हैं उतने ही वही है धरती की लंबाई और चौड़ाई। हुजूर, और उसने कहा कि हुजूर आपने आंकड़ों की बात नहीं की थी। या सुनते ही नवाब ने कहा शाबाश और उसे 10 लाख रुपए फिर से मिल गए। बहुत अच्छा, इस तरह से गोपाल दास अपना फरमान पूरा कर दिया, अपना फरमान पूरा किया। चलिए, और किसको पता है कहानी? कनिष्का, आपको पता है कहानी? कनिष्का को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सुन कनिष्का, आपके यहाँ बाकी लोग सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ, यस मैम, यस मैम। तनिष्का बेटा, आपने अपना वीडियो बंद कर रखा है। तनिष्का, वीडियो भी बंद कर रखा है, माइक भी बंद कर रखा है। आपको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? तनिष्का, आर वी ऑडिबल फॉर यू ऑल? बेटा तनिष्का, देयर इज सम टेक्निकल इशू विद योर फोन, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीस्टार्ट योर फोन एंड रीजॉइन अगेन। आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है? ओके, लेट मी मूव। उसको आवाज सुनाया है, सुनाने वाला है। मुझे अनुष्का को भेजना है। अनुष्का कहाँ है? अनुष्का कहाँ है? इधर है। चलिए ठीक है। चलो, अगर सुन देखी होगी तो पता है। फिलहाल वो दोबारा ज्वाइन कर रही है अभी, है ठीक है, बाकी कौन सा कर रही है। चलिए, और कौन, किसको पता है स्टोरी? सतप्रकाश, आपको? सतप्रकाश, चलिए बेटा। तनिष्का, यस मैम। अब देखिए, आवाज सुनाई देने लगी ना आपको। चलिए, स्टोरी आप ही बताइए। स्टोरी आपको पता है गोपाल दास की? यस, हाँ सुनाइए मैम। एक बार राजा कृष्णचंद रॉय के महल में नवाब का फरमान आया कि धरती की लंबाई और चौड़ाई पता करें और हो सके तो आसमान में जितने तारे उसकी गिनती करके भी बताएं। मैम, राजा चिंतित हो गए, उन्हें लगा ये तो असंभव है। मैम, गोपाल दास उनके एक मंत्री ने उनसे पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? गोपाल दास ने कहा, मैम राजा ने कहा कि नवाब का फरमान आया है
कि धरती की लंबाई और चौड़ाई पता करें और तारों की गिनती करनी है। मैम गोपाल दास बोले, ये तो बहुत आसान है, आप बस नवाब से कहिए कि मुझे एक वर्ष का मोहलत दें और 10 और मैम पैसे दें। मैम उसके बाद उसको पैसे मिल गए, मैम 10 करोड़ पैसे मिल गए और मैम फिर वो एक साल अच्छे से रहा। मैम उसके पास अब कोई भी कमी नहीं थी। मैम बहुत अच्छा बेटा, फिर वो उन्होंने अपनी चतुराई से नवाब के फरमान को पूरा किया। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कि पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई नापना बहुत ही कठिन काम था, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी चतुराई को दिखाई और पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई को उन्होंने उनके धागों से, मतलब कटे फिटे धागों से तुलना करके बता दिया। और तारों की संख्या गिनना भी आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने भेड़ के शरीर में जितने बाल थे उसको तारों की संख्या बता दी। अब जो है नवाब इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो काम कठिन है वो कठिन है, तो उन्होंने उस फरमान को पूरा किया। बुद्धिमता के कारण 10 लाख रुपए इनाम में भी उसको मिले। तो चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही है, और जो बातें भाषा की हमने आपको समझाया उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा नोटबुक में, उसको आप लोग कल करके भेजिएगा, ठीक है। बाकी जो है अगले सेशन में बुक वीक में क्वेश्चन को हम समझाएंगे आप लोगों को फिर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम। गुड बाय एवरीवन। नो मैम।